मुंबई से ग्वालियर भागकर आए चार भाई बहनों को पुलिस ने माधव बाल निकेतन की केयर टेकर प्रियंका भदौरिया के घर से बरामद किया है। पुलिस अब इस मामले से जुड़े सभी लोगों की कड़ियां जोड़कर जांच कर रही है। मुंबई से 26 मई को पारिवारिक विवाद के कारण घर से लापता हुई युवती और उसके नाबालिग भाई बहनों को ग्वालियर के माधव बाल निकेतन से देर रात बरामद किया गया। युवती और नाबालिग बहनें व छोटा भाई अपनी सौतेली माँ के साथ पंजाब मेल में बैठकर निकले थे। सौतेली माँ खंडवा स्टेशन से वापस मुंबई के लिए रवाना हुई, लेकिन बच्चे एक युवती की मदद से ग्वालियर में उतर गए। यहाँ ऑटो वाले ने उन्हें माधव बाल निकेतन छोड़ दिया। पड़ताल करती हुई मुंबई पुलिस जब बाल निकेतन पहुंची तो बच्चे नहीं मिले, लेकिन देर रात पुलिस ने बच्चों को वहीं से बरामद कर लिया। बच्चों के पिता का कहना है कि सौतेली माँ के रवैये से परेशान होकर बच्चे घर से निकल गए थे। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। सर वही जरूरत से आपने बताया सर वही रीजन है सर, बाकी तो कुछ है नहीं। बच्चों का एक्चुअली क्या है कि घर से छोटा मोटा झगड़ा होने के कारण बच्चों को लगा कि इनमें अब हम तकलीफ में आ रहे हैं, तो बच्चों को लगा बड़ी बेटी थोड़ी ऐसा लगा कि हम अपने पैर पे हो जाएंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम सर कि दुनिया में कितने दरिंदे हैं, कितने ये भेड़िए हैं, तो सर क्या हो सकता है आगे की लाइफ। हम लोग तो सब सोच सोच के सर आज 6 दिन कैसे बीते हैं, 6 दिन 6 जन्म कैसे बीते हैं सर, छोटी मोटी बात के लिए सर। एक्चुअली बड़े बच्चों का झगड़ा नहीं था सर, छोटे मेरा लड़का है, छोटी भी बेटी है, उसका बाल झाड़ना, बच्चे स्कूल गए, सुबह 7 बजे गए, 6:30 बजे तो आए 3 बजे, और 3 बजे सर 8 घंटा 10 घंटा स्कूल में जाने के बाद में आने के बाद दो आदमी इतनी वाला खा के सोएगा, तो फिर 2 घंटे बाद फिर उसको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से जाने के बाद फिर होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है पूरा, तो सब करने के लिए फिर सर खाने काम करने का और फिर खाना बनाने का टाइम नहीं है सर। तो उनको वही चिढ़ता कि तुम्हारे बच्चे हैं तो क्यों थोड़ा बहुत तो काम करें, और मैं इसलिए बोला था उनको थोड़ा बहुत थोड़ा संभाल दो मेरे बच्चे, थोड़े छुट्टियों में कर रहे थे तो बच्चों को छुट्टियों में क्या समझ में आया, तो नई माँ से नाराज हुए सर। हाँ बाकी कुछ नहीं था सर, हमें तो इस बात की पहली खुशी है कि हमने बच्चों को पाया है, आगे को कुछ चीज़ें हम जो डिपेंड ऑन इन्वेस्टिगेशन है, हमने बच्चों को पाया हुई हमारी पहली खुशी है कि उनको सेफ में पाए। कल हम लोकल सीडो ब्रिज के सामने उनको प्रोड्यूस करेंगे, खुद नफ्टर आगे के जो बच्चे जो निकले थे तो उनकी जो मदर थी स्टेप मदर वो भी उनके साथ थी, बच्चे की पढ़ाई का कुछ इशू है तो आपका जो MP में खांडवा आता है वहाँ तक वो उनके साथ में ट्रेन में थे, ये पंजाब मेल क्रॉस की मेल थी, 26 तारीख को निकली थी वो ट्रेन खांडवा, जब उधर के वो लेडीज़ घर पर आई तो उन्होंने संजय से पूछा कि बच्चे कहाँ पर हैं, आप भी नहीं थे एक दिन, बच्चे भी नहीं थे, तो उनको लोकल पुलिस थाना लेके आए कि कुछ संदेह है, तब हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों के साथ निकले थे मुंबई से, लेकिन हम खांडवा उतर के बच्चे आगे चले गए तो किधर गए हमें मालूम नहीं, तब जाके हमने कल्याण से लेके फिरोजपुर तक, पंजाब फिरोजपुर तक अमृतसर जो ट्रेन जाती है उसके फुटेज चेक करने के बाद हमको ये सक्सेस मिला कि आपके ग्वालियर सिटी में वो बच्चे उतरे हैं 27 तारीख को शाम को 5 बजे, और वहाँ से वो एक ऑटो वाले के साथ आए थे, वहाँ से हम आगे के लिंक तक आ गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।